नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैनन के P07 एरर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे पास जो प्रिंटर है वो कैनन का G2010 प्रिंटर है। इस प्रिंटर में P07 का एरर आ रहा है, उसको सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैनन का G2010 प्रिंटर है और इस प्रिंटर में P07 का एरर आ रहा है। जब ये एरर आता है तो डिस्प्ले पे भी शो करता है और उसके बाद पावर वाली लाइट और एरर की जो लाइट है वो बारी बारी करके फ्लैश करती रहती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसका जो पावर वाली लाइट है यानी कि प्रिंटर को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद पावर वाली जो बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे और कैंसिल वाली बटन को 5 बार प्रेस करेंगे। उसके बाद पावर वाली बटन को छोड़ देंगे। पावर वाली बटन छोड़ने के बाद जब पावर वाली लाइट कंटिन्यू जलने लगेगी, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू जलने लगा, तो जलने के बाद स्टॉप वाली जो बटन है उसको 4 बार प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद पावर वाली बटन को 1 बार प्रेस करेंगे। उसके बाद पावर वाली बटन, फिर दोबारा स्टॉप वाली बटन को 3 बार प्रेस करेंगे और उसके बाद पावर वाली बटन को 1 बार। उसके बाद दोबारा स्टॉप वाली बटन को 5 बार प्रेस करेंगे और 1 बार पावर वाली बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो पावर वाली लाइट है ये फ्लैश करने लगेगी और कुछ देर इसमें प्रोसेस होगा, तब तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो पावर वाली लाइट फ्लैश करती रहेगी, एक प्रिंट आउट होगा प्रिंटर से। आप देख सकते हैं एक चेकअप के लिए एक ये जो पेपर है पहले खींच लेगा अंदर, इस पर कोई प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। उसके बाद जब पावर वाली लाइट जो है कंटिन्यू जलने लगेगी तो क्या करेंगे, तो पहले इस प्रिंटर को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तब तक वेट करेंगे। जब जो लाइट जल रही है यानी कि पावर वाली जो लाइट जल रही है वो जब बुझ जाएगी, पूरी तरह से प्रिंटर ऑफ हो जाएगा, तब इसे दोबारा ऑन करेंगे। A few moments later. जैसे ही प्रिंटर ऑन करेंगे तो एक पेपर खींच लेगा और यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो भी प्रोसेस कर रहे हैं अपने ट्रे में, जो इनपुट ट्रे है वहाँ पे पेपर ज़रूर डाल के रखें, अन्यथा जो टेस्ट हो रहा है वहाँ पे फिर एक एरर, पेपर जाम का एरर आ जाएगा। जब ऑन करेंगे तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होगा, तब तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और एक ड्रॉप का सिंबल दिखाई देगा। सिंबल दिखाई देने के बाद अब क्या करेंगे कि जो ब्लैक वाली बटन है उस ब्लैक वाली बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक और एरर आएगा P08। अब P08 एरर आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि फिर हम एक बार प्रिंटर को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ हो जाने के बाद फिर दोबारा इसे ऑन करेंगे। A few moments later. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जो P07 का एरर था वो ख़त्म हो चुका है और प्रिंटर रेडी हो चुका है। चलिए प्रिंट आउट या कॉपी करके देख लेते हैं। कॉपी करने के लिए पहले तो हम ब्लैक एंड वाइट चेक करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक वाली बटन को प्रेस करते हैं। जब ये सारे एरर को सॉल्व करने के बाद जब भी हम फोटो कॉपी करेंगे इस प्रिंटर से, तो चाहे आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी करिए या कलर फ़ोटो कॉपी करिए, तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद फ़ोटो कॉपी वाले जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। A few moments later. आप देख सकते हैं कि हम जब फ़ोटो कॉपी किए हैं तो इसमें कोई भी प्रिंट आउट नहीं आया है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद किसी किसी प्रिंटर में प्रिंट आउट सही से आ जाता है और किसी किसी प्रिंटर में प्रिंट आउट सही से नहीं आता है। तो इसका प्रोसेस ये है कि अपने कंप्यूटर से मेंटेनेंस में जाएंगे, वहाँ से हेड क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ से ये सारा इंक उठा लेगा, उसके बाद प्रिंट आउट देना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये प्रोसेस नहीं जानते हैं कैसे हेड क्लीनिंग किया जाता है तो इसका भी वीडियो हमने बना के रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने हेड क्लीनिंग कर लिया है, अब हम फिर दोबारा इससे चेक करेंगे फोटो कॉपी करके, तो ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फ़ोटो कॉपी किया है तो ये जो भी हमने डाला था डॉक्यूमेंट
वो पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे फोटोकॉपी हो चुका है, यानी कि जो हमने हेड क्लीनिंग किया है वो पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो आप इन प्रोसेस को फॉलो करके P07 का एरर सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस प्रिंटर में अगर हेड क्लीनिंग की ज़रूरत है तो आप हेड क्लीनिंग या कंप्यूटर से हेड डीप क्लीनिंग करके इसका इंक भी ला सकते हैं और अच्छे से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रिंटर से रिलेटेड कोई और भी एरर आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, इस पर एक अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।